आज मैं आपको इस वीडियो में कोरल रीफ्स यानी समुद्री चट्टानों के बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले इस वीडियो के नीचे बने बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस देखना ना भूलें। कोरल रीफ्स, जिसे हिंदी में मूंगा चट्टाने भी कहते हैं, जो पानी के नीचे की दुनिया का इकोसिस्टम है। कोरल बिना रीढ़ की हड्डी वाले इनवर्टिब्रेट्स के कंकालों से बना होता है और वे समुद्र की सतह में कैल्शियम कार्बोनेट निकालकर चट्टान नामक एक कठोर सतह को बनाते हैं, जिसे कोरल रीफ्स कहते हैं। कोरल रीफ्स को बहुत से पॉलिप्स मिलाकर बनाते हैं। प्रत्येक पॉलिप्स अपने पूर्वजों के भय कंकाल पर रहते हैं और मरने के बाद कोरल की संरचना में अपने भय कंकाल जोड़ते जाते हैं। इसका मतलब है कि हजारों व्यक्तिगत जानवर, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, वे कोरल की संरचना करते हैं। इन पॉलिप्स में जाल जैसे हाथ होते हैं जो उन्हें भोजन के लिए समुद्र में छोटे जानवर को पकड़ने में मदद करते हैं। ज्यादातर कोरल्स रात में शिकार करते हैं। कोरल के टिश्यूज में रहने वाले फोटोसिंथेटिक एल्गे, जिसे जूज़ेंथले कहते हैं, उसे कोरल सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और बदले में एल्गे कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है, जो कोरल को भोजन प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। कोरल फाइलम इंड्रिया नामक प्रजाति के समूह का हिस्सा है, जिसे जेलीफिश, सी एनिमल आदि जैसे जानवर शामिल हैं। वैसे कोरल टेम्परेट और ट्रॉपिकल जल दोनों में मौजूद है। उथले पानी की रीफ्स केवल भूमध्य रेखा के लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक के क्षेत्र में फैली हुई है। ट्रॉपिकल कोरल्स 50 मीटर से अधिक की गहराई पर नहीं उगते हैं। अधिकांश कोरल रीफ्स का अनुकूलतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है और कुछ रीफ्स 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे के जल में भी मौजूद हैं। दुनिया में मुख्य रूप से चार प्रकार की कोरल रीफ्स हैं। पहली, फ्रिंज रीफ्स, द्वीपों और महाद्वीपों के समुद्र तट के आसपास बढ़ते हैं। वे उथले लगून द्वारा किनारों से अलग हो जाते हैं। फ्रिंज रीफ सबसे सामान्य प्रकार के रीफ्स हैं। दूसरी, बैरियर रीफ, समुद्र तट के समांतर लेकिन गहरे व्यापक लगून द्वारा अलग किए जाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए लगून कई किलोमीटर चौड़े और 30 से 70 मीटर गहरे हो सकते हैं। वे पानी की सतह तक पहुँच सकते हैं, जिससे नेविगेशन के लिए बाधा होती है, इसलिए इन्हें बैरियर रीफ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बैरियर रीफ है। तीसरा, पैच रीफ, छोटे अलग थलग समुद्री चट्टान है जो द्वीप या महाद्वीप के समुद्री किनारे के खुले तल में बड़े होते हैं। वे आमतौर पर फ्रिंज रीफ और बैरियर रीफ के बीच में होते हैं। वे आकार में बहुत भिन्न होते हैं और वे शायद ही कभी पानी की सतह तक पहुँचते हैं। अटोल रीफ्स कोरल के छल्ले जैसे होते हैं, जो समुद्र के बीच में सुरक्षित लगून बनाते हैं। अटोल आमतौर पर तब बनते हैं जब फ्रिंज रीफ से घिरे द्वीप समुद्र में डूब जाते हैं या समुद्र का स्तर उनके आसपास बढ़ जाता है। ये द्वीप अक्सर पानी के नीचे ज्वालामुखियों के सबसे ऊपर होते हैं। फ्रिंज रीफ समुद्री तटों के पास बढ़ती रहती है और अंततः लगून और अटोल का निर्माण करती है। कोरल रीफ समुद्र की सतह पर 1% से भी कम पाए जाते हैं, लेकिन समुद्री इकोसिस्टम के 25% से अधिक को सहारा देते हैं। वे पानी के नीचे की दुनिया की बायोडाइवर्सिटी की तरह हैं। कोरल रीफ्स अपने नोक्स में कई जीवों और मछलियों को भोजन सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। नोक्स का मतलब खाली जगह जो रीफ्स के बीच में बन जाती है। कई लोग मछली पकड़ने के लिए भी कोरल रीफ्स के इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के महासागरों का तापमान बढ़ता है, कोरल पॉलिप्स जूज़ेंथले को निष्कासित कर देते हैं, जिस पर वे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जूज़ेंथले के चले जाने के बाद कोरल अपना शानदार रंग खो देता है और सिर्फ सफ़ेद रंग का रह जाता है, जो कि पॉलिप्स के भय कंकाल होते हैं। इसे कोरल विरंजन या ब्लीचिंग भी कहते हैं। ओवरफिशिंग, ओशन एसिडिफिकेशन और प्रदूषण कोरल रीफ्स को तबाह कर रहे हैं।